एक और खिलाड़ी मैदान में उतरा है भाई, ले भाई फंस गया इसका टाइम। तो गाइस हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है, चाय और मोमोज। यार मोमोज का साइज देख के तो मजा ही आ गया। बच्चे निकाल पाएगा गाड़ी? निकलेगी ब्रो यहाँ से? नहीं निकलेगी, ट्रक तो निकाल दिया उसने। ट्रक है भाई, एक अचानक से मुसीबत आन पड़ी है। ऑब्स्टेकल बहुत ही डेंजरस। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रॉ स्पॉट। और ग्राफिक्स कार्ड की वीडियो बनाते बनाते जो है यार बीटी हो गई काफी, क्योंकि प्राइसेस डाउन आ नहीं रहे। सो आई एम जस्ट ऑन अ वेकेशन और मैंने सोचा थोड़ा आप लोगों को भी मैं दिखा दूं। तो भाई अभी आई एम ऑन द वे टू पार्वती वैली। बाकी अभी हम रस्ते में है, रात को 9 बजे चले थे, तो इट इज समवेयर अराउंड 7 in the morning। और भाई देख रहे हो पीछे एक कितना ब्यूटीफुल झरना है ना, नेक्स्ट लेवल, बहुत बढ़िया। धुंध बह रही है यार, क्या खतरनाक लग रहा है व्यू ना। ये देखो बैक कैमरे से दिखाता हूं मैं, ये देखो गाइस पूरा, ये देखो धुंध एकदम एक नंबर लग रही है। हल्का हल्का सन भी निकल रहा है अभी। तो गाइस फिर से हमने रेस्ट ले लिया है और ऊपर पहुंचने में भी बाकी है 70 किलोमीटर्स। तो हमें भूख भूख लग रही है, कुछ नहीं खाया हमने रात को ही, सीधा थोड़ा बहुत कुछ खाया था। तो मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ यार, मेरे साथ मेरा दोस्त है अरुण। हाय। इसको आपने पहले भी मेरी वीडियोज़ में देखा होगा, दोस्त की मैंने डाली हुई थी काफ़ी पहले डाली थी। और एक मेरा दोस्त है यार, पीछे वो गाड़ी में है, आ रहा है। और हमने यार थोड़ा डिसाइड किया, हम ये जो पीछे आप देख रहे हो यहाँ पे हमने थोड़ा ब्रेकफास्ट करने का डिसाइड किया है कि यहाँ पर थोड़ा चाय वाय पियेंगे और उसके बाद सीधा मलाना जाके थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। व्यू तो सॉर्टेड है ही भाई, गलत ही व्यू है, काफ़ी शॉर्ट जगह लग रही है यार बैठने बैठने के लिए, और व्यू भी काफ़ी सही है। अबे नहीं दे रहा तेरा फोन, नहीं दे रहा भाई, ये रहा तीसरा शिकारी। और भाई यहाँ पे ये है भैया की टपरी, चाय वाय बना रहे, सुबह सुबह मोमोज खाने को मिल रहा है, उससे बढ़िया क्या चाहिए हमें। क्या कह रहा है? मोमोज तेरे दो ही है, दो से मेरा कुछ नहीं होगा। तो गाइस हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है, चाय और मोमोज। यार मोमोज का साइज देख के तो मजा ही आ गया, देख के ना सुबह सुबह 7 बजे मोमोज मिल रहे हैं हमें खाने को। और चटनी भी काफ़ी अलग है यार, ये वो वाली चटनी है टमाटर की जो हम रोटी वोटी के साथ खाते हैं, पराठे के साथ ना, काफ़ी मतलब सही है। तो टेस्ट करके देखता हूँ क्या सीन है यार इसका, बढ़िया लग रहा है देखने में तो मोमोज यार वाकई में। देखो क्या ही चाहिए भाई, पहाड़ में सुबह 7 बजे मोमोज मिल रहे हैं भाई, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया खा के। एक्सपेंड ये तब नहीं था ना, अभी पत्ता वो भी नहीं, स्प्रिंग ऑनियन भी है, नॉर्मल फीलिंग क्या है दिखा भाई अच्छे से, बढ़िया फीलिंग है। सबसे बढ़िया बात फ्रेश मेड है ये, मतलब ऐसा नहीं है भैया ने अभी बनाया फिर अभी स्टीम किया फिर बना के ना, बहुत सही। चलो भाई मिलेंगे फिर मलाना में, खाने दो। तो यार ये है भैया जिन्होंने हमें सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कराया, चाय पिलाई है, मोमोज खिलाया। क्या नाम है भैया आपका? लालचंद। लालचंद, तो क्या एरिया भैया ये, कहाँ पे आपका ढाबा? ये तो पड़ता है जी चौकी। चौकी चौकी चौकी, तो ये जगह का नाम है। तो भैया मजा आ गया ब्रेकफास्ट करके, चाय भी बहुत अच्छी थी और मोमोज भी। ये देखो यार गाइस फ्रेश मोमोज का स्टफ बना रहे हैं, और ये जो है आटा लगा के रखा है, तो ये फ्रेश ही बनाते हैं और स्टीम करके तुरंत दे देते हैं। बाकी पराठे वगैरह, अंडा, ब्रेड, ये सब काफ़ी चीज़ें मिलती है भैया पे। तो थैंक यू यार भैया, बहुत मज़ा आ गया। और थैंक यू। और ना भैया का ये जो है ना कैफे, बहुत ही बढ़िया जगह है यार, ये देखो व्यू देखो आप, और कुछ नहीं है यहाँ पे, चलता रोड है तो, और काफ़ी अलग जगह है। ठीक है भैया, मिलते हैं अगली बार आपसे। ओके भैया। तो भाई यार अभी हम मलाना पहुँचने वाले हैं, ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर बचा होगा मेरे ख्याल से। और रास्ता यार काफ़ी थोड़ा डेंजरस ही है, 1% एरर का भी चांस नहीं होना चाहिए ड्राइविंग में। तो यहाँ पर हमारा एक्सपर्ट दोस्त अरुण वो ड्राइव कर रहा है, दिखाता हूँ आप लोगों को, गंदे करके कर रहा है। सही में ये रहा लक्ष्मण,
मलाना के रास्ते पे बढ़िया गाड़ी चलाते हुए क्यों निराकुश तेरे केस आप सुन रहा है भाई हैं डेड क्यों पड़ा है भाई ड्राइवर बन के आया है क्या तंखा पे कोई नहीं भाई ड्राइवर बन के रह ले इज्जत देते हम ड्राइवर को पैसे लेगा भाई हाँ तो कोई नहीं बात तो कर ले फिर भी बात करने का एक्स्ट्रा पैसे लेगा क्या भाई चटक ड्राइवर जावे तो लेगा आपने क्या ले चटक 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 बंदा जीवा मोड़ दिया कि फरारी बाहर लगेगा जी चटक पुलिस पुलिस भी जा चुका है दोस्तों के चक्कर में सेटिंग वेटिंग है पुलिस पे पुलिस आ गई एक बार तो इसको ले सेटिंग है पुलिस में भाई की कोई दिक्कत नहीं है नाम चला भाई का साले की आईडी हैक करवा दी थी पुलिस ने फेसबुक के प्रिंट आउट दे दिए सेटिंग भाई एक अचानक से मुसीबत आन पड़ी है ऑब्स्टेकल बहुत ही डेंजरस और गाड़ी हमारी मलाना नहीं जा सकती अब क्योंकि रास्ता ऐसा है आप लोगों को मैं दिखाता हूँ फिल्टर चौड़े हो जाएंगे रास्ता देख के ओ भाई ये ट्रक व्रक गाड़ी वाड़ी सब खड़ी है कोई नहीं जा सकता क्योंकि रास्ता ही ऐसा है काफी खराब है रास्ता फिर ट्रक वाले भैया ईट वीट बिछा के जुगाड़ कर रहे हैं हार नहीं मानेंगे यार क्योंकि पता है क्या इसमें बहुत मिट्टी है ये देखो गाड़ी स्लिप होनी ही होनी है और काफी स्टीप है और ऊपर तक ऐसे कच्चा टाइप रास्ता है ये देखो मिट्टी मिट्टी है ना एकदम काफी ज्यादा दिक्कत है काफी ज्यादा दिक्कत हालत ही खराब है यार देख अकेला बैठ के तो तू ला सकता है पर अकेला बंदा बैठ के ला सकता है तीन बंदे तो नहीं आ पाएंगे उसमें अबे ये बोल रहा है ये पैच है बस अबे यहाँ तक तो कह रहा हूँ ये पैच क्रॉस करने के लिए अकेला बंदा ला सकता है हाँ आगे तो सही है अरे फर्स्ट गियर में तो निकल जाएगी ऐसे लेकिन मिट्टी भी तो है ना काफी भाई अजीब है फक ये ट्रक वाला निकालेगा हार नहीं मान रहा बहन चोदी इसको देखते हैं पहले क्या करेगा अगर ये जब चला गया ना ब्रो फिर तो निकाल जाए टायर वायर के वो सारे भाई हम यार ये ट्रक वाले भैया थोड़ी कोशिश कर रहे हैं तो अगर इन्होंने निकाल लिया तो इनको देख के हम भी थोड़ा सा कोशिश करेंगे निकालने की तो बाकी देखते हैं यार क्या सीन है क्या नहीं है बाकी यार व्यू बहुत सही आ रहा है नीचे रिवर बह रही है बढ़िया एक नंबर ये देखो भाई ओ भाई ट्रक वाले भैया आ रहे हैं भाई ट्रक वाले भैया आ रहे हैं बहुत ही सही कोशिश कर रहे हैं फिर से ट्रक वाले भैया और हम देखेंगे चुपचाप उनको बैठ के यहाँ पे आ रहे फक भाई चढ़ा दिया भाई बहन चढ़ा दिया भाई बंदे ने एक नंबर भाई ड्राइवर बहन चोद पिरो पिरो सलाम है भाई उस ड्राइवर को ट्रक वाले को उसने खतरनाक जगह से निकाल दिया भाई उसने और उसको देख के हमें भी थोड़ी हिम्मत आई है तो हम भी अपनी गाड़ी का ट्राई करेंगे निकालने का यहाँ से फटाफट से तो चलो हम भी अपनी गाड़ी से एक्सपेरिमेंट करते हैं बच्चे निकाल पाएगा गाड़ी नहीं निकलेगी ब्रो यहाँ से नहीं निकलेगी ट्रक तो निकाल दिया उसने ट्रक बहुत पावर है बट कह तो सही रहा है यार गाड़ी में उतना दम तो है नहीं एक और टैक्सी वाला वो रहा उसके बस की भी नहीं थी निकालनी दोबारा कोशिश कर रहा है वो तो ये बच्चे आ रहे हैं रिवर्स में निकाल रहा है भाई वो तो अलग ही सीन भाई रिवर्स में ले के आ रहा है भाई वो फक हट जाओ कंट्रोल कंट्रोल अरे ऐसे चढ़ा देगा चढ़ा दी देख उसने नहीं जाएगी
और ये तो कुछ भी नहीं है यार, रिवर्स में चढ़ा रहे तो नहीं जाएगी भाई। बेटा वो एचपी नंबर गाड़ी, उससे बहस मत कर। रिवर्स में नहीं जा सकती, कोई टेक्नोलॉजी नहीं समझ आ रही मुझे तो इसकी। कटाई में दिक्कत हो जाएगी। वही तो कोशिश कर रहा है भाई ये, फिर कोशिश कर रहा है रिवर्स में चढ़ाने की, पर नहीं चढ़ेगी। हार नहीं मान भाई ये भी बंदा। हारना नहीं है किता। भाई तो ये मेरे को तो समझ अबे गाड़ी हटानी पड़ेगी। जाओ दे आगे से गाड़ी आ गई, हटा के आ जा। और ले आ यहीं पे, ले आ ले आ ले आ। दोस्तों एक गाड़ी ऊपर से भी आ रही है नीचे जाते हुए, इसको भी देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। नीचे तो आराम से चली जाएगी आई गेस, इसकी तो गाड़ी भी तगड़ी है ना, बोलेरो। निकाल दी भाई इसने, बढ़िया स्मूथली। ऐसे नहीं हो सकता अबे, लेकिन नहीं हो सकता, जरूरी है लिफ्ट मिल जाए। एक और खिलाड़ी मैदान में उतरा है भाई, ले भाई फंस गया इसका टायर, भाई फंस गया, भाई फंस गया। काफी ट्रिकी रास्ता है यार ये, बहुत इजी नहीं है, बिल्कुल भी इजी नहीं है इनफैक्ट। अबे देख ऑल्टो से तो पावरफुल होगी तेरी गाड़ी, ये ऑल्टो सेम इंजन होता है भाई। कोशिश पूरी जा रही है इसकी। करके ही मानेगा कुछ ना कुछ। सही में दिक्कत सारी मट्टी की है, सिर्फ मट्टी है पूरी, ग्रिप ही नहीं बन पा रही टायर की। से एक और बंदा ट्राई कर रहा है रिवर्स में, देखते हैं चढ़ा पाएगा कि नहीं। और पीछे से एक जेसी भी और आ रही है, पता नहीं क्या करने आ रही है, क्यों आ रही है, कोई सीन नहीं पता। और ये अपनी एक्सपर्टीज दिखाएगा भाई अभी जल्दी। चढ़ा दी भाई, ओ भैंस की आग भाई, क्या ही कर दिया भाई बंदे ने। फक फक भाई, चढ़ा दी भाई इसने। ये तो चढ़ गई एक ही बार में, लंबाई कांड हो गया आज तो ये। जेसी भी तो फुल पावर है, चढ़ रही है, इसकी ग्रिप भी बन रही है ना, टायर मोटे हैं बड़े हैं। लेकिन भाई ये ड्राइवर पिरो था भाई, इससे पहले वाला भाई गलत ड्राइवर भाई, एक ही बार में भाई कति। अपना प्लान बता, हमने क्या डिसाइड किया है। हम मलाना जा रहे थे तो वहां पे रास्ता था खराब, और वहां पे अगर आपको अपनी गाड़ी ऊपर चढ़ानी थी तो हमारी गाड़ी नीचे से डैमेज भी हो सकती थी, तो हमने थोड़ी समझदारी दिखाई क्योंकि हमारी गाड़ी नहीं है। तो हमने सोचा कि भाई किसी दूसरी गाड़ी तोड़ना अच्छी बात नहीं है अपनी, तो एक बार को बंदा भाई कर भी दे भाई, इसी में थ्रिल आता है वैसे तो। लेकिन दूसरी गाड़ी के साथ हमने रिस्क नहीं लिया, तो हमने वो ऑप्शन बैकआउट कर लिया। अब हम जा रहे हैं कसोल, तो कसोल में स्टे नहीं करेंगे लेकिन हम। हाँ कसोल जा रहे हैं, वहाँ पे सोचेंगे बैठ के हमें जाना कहाँ है। और भाई की एक डिमांड है, भाई को चाहिए सुपर क्रीम। अगर इसको सुपर क्रीम नहीं मिली तो ये हमारी जान खा लेगा भाई। कसोल में मिलते हैं बेकरी पे जाके। गलत बजते हुए दिखाऊंगा मैं सीधा आपको, बजते लक्ष्मण है गलत बंदा।
बजता है ये बजाता है हम बजते हैं ये डीजे है हमारा ठीक है कंट्रोल साइज के बाद ये बजाएगा और हम बजेंगे बस अभी हमें थोड़ा खाना खाना है फिर मामला सेटल फ्रेश अप होना है ब्रश व्रश करनी है थोड़ी है ना सेटल हो जाए बस दो दो पिल्स लेंगे कैफीन की 200 एमजी की मैं लाया हुआ हूं पूरी रात बजना भैंस की आंख क्योंकि कल रात से निकले हुए हम और अभी तक पहुंचे नहीं है ऑलमोस्ट हमें 15 घंटे हो चुके हैं ड्राइव करते हुए हाँ और हमारी हालत हो गई खराब एकदम और मैंने तो भाई मौका देके हग लिया इन्होंने हगा भी नहीं सुबह से तो भाई फाइनली हम कसोल पहुंच गए हैं 15 घंटे ड्राइव करके जहाँ के हमें 12 घंटे की ड्राइविंग है टोटल सिर्फ मलाना जाने के चक्कर में और वहाँ जा भी नहीं पाए इतनी दिक्कत हो गई अभी तो उसको लेके हटेगा तो भाई गाड़ी हमने वहीं खड़ी करी है पिछली बार भी हमने यहीं खड़ी करी थी कसोल में आगे और जो हम कसोल जाएंगे अब और मार्केट में देखते हैं क्या है क्या नहीं है स्टे का सीन आज यही है यार या तो छलाल जाएंगे या ग्रैंड जाएंगे तो इधर ही कहीं स्टे करेंगे मलाना का तो सीन सोट हुआ नहीं और कल का शायद खीरगंगा या तो उस दोनों में से एक जगह जाएंगे ही जाएंगे क्या सोचता है भाई कहाँ जाएगा कल मुझे नहीं पता भाई किसी को भी नहीं पता कल ही पता चलेगा तो चलो मार्केट में चलते हैं कसौली कुछ खाते पीते देखते बढ़िया बढ़िया कुछ लोमड़ी अबे लोमड़ी नहीं कुछ भी बोलता रहे क्या ले रहा भाई ये सब अभी हम कसोल की मार्केट में खड़े हैं हमने पराठे वराठे खाए हैं थोड़ा यहाँ पे यार दोनों के पास चश्मा है भाई हरामियों के पास ना सिर्फ मेरे पास नहीं है तो एक चश्मा लूँगा फिर इक्वालिटी में आएंगे और उसके बाद हम छलाल स्टे कर रहे हैं डिसाइड हुआ है कि छलाल में स्टे करेंगे हम क्योंकि थोड़े थक गए यार लेट हो गए एक तो ना ड्राइव करते करते 15-16 घंटे लग गए मैं ड्राइव करते हुए तो विल स्टे इन छलाल और फिर छलाल का ट्रैक दिखाता हूँ और जहाँ हम रुकेंगे वो जगह भी ज़रूर दिखाऊंगा मैं आपको बट दिस इज़ कसोल मार्केट ये एक पूरी एक गली सी है आगे तक यहाँ पे कपड़े वपड़े ट्रिपी से और ये काफ़ी चीज़ें ट्रिपी ट्रिपी मिलती है यहाँ पे वो सब आप परचेज कर सकते हो काफ़ी बेकरी वगैरह है यहाँ पे ख़तरनाक तो उस पर काफ़ी अलग अलग सामान मिलता है वो मैं दिखा दूँ आप लोगों को रख दो भैया टेबल पर क्या मतलब अबे चश्मा नहीं है इसके पास आगे मिलेगा अबे हाँ ये रहे तू ही देख ले मैं नहीं देख तुझे ही पहचान है भाई फाइनली हम कसोल के जो है फुट ओवर पे आ चुके हैं और बस अब हम जा रहे हैं छलाल की तरफ तो सीधा जाना है और फिर लेफ्ट लेना है छलाल आ जाएगा छलाल का ट्रैक दिखा देंगे और कहाँ रहना है वो तो डिसाइड करानी है डिसाइड करेंगे चलो वो भी दिखाते हैं कहाँ रहेंगे तो यार पहले ना ये चीज़ नहीं थी ट्रैक पे ना छलाल के ये अभी रिसेंटली ही लगी है तो मे बी कुछ हुआ होगा कुछ लोगों का सीन रिवर के पास तो मे बी उस वजह से लगी होगी बट लास्ट ईयर जब मैं आया था तब तो भाई ये सीन नहीं था पूरा ये मैं देख रहा हूँ जो फुट ओवर ब्रिज था वहाँ से लेके और पूरे मुझे दूर तक दिख रहा है पूरे ट्रैक पे लगाई हुई है ऑलमोस्ट तो फॉर सेफ्टी पर्पज इट इज़ ओके बढ़िया ही है तो भाई फाइनली छलाल का ट्रैक कंप्लीट किया और छलाल आने के बाद काफ़ी दिक्कत हो गई आज पता नहीं दिक्कत हो भरा दिन ही रहा है पूरा
पहले हम मलाना गए वहां दिक्कत हो गई और यहाँ पे आए तो दिक्कत ये हुई, ज्यादा बड़ी दिक्कत तो नहीं थी कि कैफेज के ओनर ना सारे चेंज हो चुके हैं, तो हम जब आते थे तो यार एक होता है ना कि मैं यही रुकता हूँ तो सेम ओनर है तो बढ़िया लगता है और पहले से ही पता होता है इतने पैसे ये वो फलाना ढिमकाना, कम्फर्ट जोन होता है, वो नहीं हो पाया। फिर भी हमने कैफे ढूंढ लिया है, एक ले लिया है, तो ये है रूम अपना। तू किस सोच में खोया हुआ है भाई? मैं देख रहा हूँ कि कहाँ गए हैं तो क्या करें भाई, लेना ही पड़ा। बाकी यार सामने का व्यू बहुत ही सही है, सामने का व्यू दिख रहे हैं यहाँ से, थोड़े से सुबह दिखेंगे बर्फ के पहाड़, कल हम वहाँ पे चले जाएंगे बर्फ के पहाड़ के पास, दोस्त चले जाएंगे कल सीधा। और ये सारी प्रॉपर्टी है, गार्डन वार्डन सारा इसी का है, अंकल का जिसका कैफे है, तो सही है। अपना रूम वूम तो ले लिया हमने, थोड़ी देर बाद जाएंगे कैफे वैफे में चिल विल करेंगे। हर जगह नहीं बज रही है, सही में हर जगह बंदे बज रहे हैं साइकेडेलिक म्यूजिक पे। ठीक है हम भी बस नहाने धोने का सिस्टम बैठाते हैं, गीजर ऑन कर रखा है, नहाएंगे गर्म पानी होते ही फिर जाएंगे चिल करने थोड़ा। यस ओके बाय क्या कर रहा है भाई? कुछ नहीं खा रहा है, ब्रेकफास्ट है। तो गाइस अभी यार कल का सीन तो यही रहा था, मलाना में जाना था, निकले मलाना जाने थे लेकिन वो कार वार वहाँ से नहीं निकल सकती तो हम नहीं जा पाए। फिर हमने चलाल में स्टे किया था और कल हम थक गए थे तो सीधा सो गए और सो के इसकी वजह से सो गए भाई। मैं तो कह रहा था चढ़ा देगा, सुबह तक जगा हुआ था, ये दोनों सो गए। मैं तो वाइब कर रहा था, मैं मजे कर रहा था अकेला भाई, सोना जरूरी था। और आज मैं भी बट तुम्हारे जैसा हूँ, फ्रेश। सही है भाई, फ्रेश है एकदम, बढ़िया चमक रहा है, देखो इसकी चमक रहा है। अभी जा रहे हैं तो सीन ये है भाई, अभी हम फिर से मलाना जाएंगे लेकिन गाड़ी से नहीं इस बार हम ट्राई करेंगे ट्रैक करके। छलाल से रसोल जाता है एक रास्ता और रसोल से फिर ट्रैक है मलाना जाने का, वो हम ट्राई करेंगे आज रास्ता, गाड़ी से नहीं जाएंगे, पता है जा ही नहीं सकती हमारी गाड़ी। तो कितना घंटा लगेगा टोटल? 5 घंटे, 5-5.5 घंटे का ट्रैक है और फिर हमारे जैसे बैग ही नहीं उठाता, ये बैग ही नहीं उठाता भाई कहता मेरा सामान ही नहीं है इसमें। बात क्या करनी है, डेविल रहा, बैग ही नहीं उठाता भाई, हल्का सा बैग है क्या ही जूम करके क्या क्या खा रहा है बेंचो रेडोम पे? ओह माय गॉड, और तू क्या पी रहा है? मैं तो भाई बेंचो ये वो है आयोस का आयोस का ये है लेमन हनी टी। देख इसमें जो है ना जड़ी बूटियां डली हुई है। अबे ऐसे क्यों खा रहा है? सारा का तीखा के खा है, टेबल तो मिले ही। बहुत ही सही ड्रिंक है भाई ये, एकदम गला सही कर देती है और भी तो बहुत ही जक्कास। तो भाई फाइनली हम छलाल छोड़ के जा रहे हैं और हम जा रहे हैं भाई मलाना सीधा, क्योंकि गाड़ी से जाना इम्पॉसिबल है, सीन नहीं बन रहा था। तो टैक्सी का भाई 600 रुपये एक बंदे के जाने के देना तो फिर वर्थ नहीं है, इससे बढ़िया ट्रैक करके जाएंगे। बढ़िया टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि हम छलाल से हमें रसोल जाना पड़ेगा और रसोल जाने में हमें लग जाएंगे 2-3 घंटे और रसोल से फिर 4-5 घंटे का ट्रैक और है, तो पूरा दिन ट्रैक करते हुए जाएगा आज। खतरनाक 8-9 घंटे का ट्रैक है कम से कम, कम से कम 8-9 घंटे का ट्रैक है, पूरा लगातार चलेंगे तो बढ़िया तरीके से। और फिर हम जब बस यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है ऐसे तो सीधा ये ट्रैक रसोल जाएगा और जो है फिर ये छलाल की एग्जिट है, यहाँ से ट्रैक स्टार्ट हो जाता है रसोल का सीधा, हो रहा गलत डीप। तो डिफरेंस दिख ही गया है, यहाँ से रसोल का ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा और हम रसोल का ट्रैक आपको दिखा देंगे। और मेन चीज है यार अंधेरा होने से पहले हम मलाना पहुंच जाए, देख ले क्या सीन है क्योंकि हम गए नहीं इससे पहले, खतरनाक तो होने वाला है भाई तो, और हमें नहीं पता हम पहुंच पाएंगे या नहीं, लेकिन हाँ निकल तो गए हैं। सीन ये है कि गाड़ी से नहीं जा पाए तो वैसे जाएंगे, बेशक 8-9 घंटे लगे कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन जाके रहेंगे, पहुंच के दिखाएंगे उधर, पहुंच के सीधा. We will do it. Yes, bro, मिलते हैं ट्रैक पे, बीच बीच में जब स्टॉप लेंगे हम मिलेंगे, आपको दिखाते रहेंगे सब कुछ. चलो गाइस. भाई अभी हम ट्रैक के ऐसे पार्ट पे खड़े हैं जहाँ पर साइड में तो अपनी रिवर बह रही है और बढ़िया रिवर का साउंड आ रहा है. उसके बाद जो है ना भाई, ट्रैक बहुत ही खड़ा ट्रैक है, एकदम एकदम हाइट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है. और जो है वो दोनों तो आगे चले गए और उनको पकड़ता हूँ मैं, कोई सीन नहीं है, दो मिनट लगेगी मुझे. तो काफ़ी स्टीप है ट्रैक ना, ऊंचा 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 चढ़ता जा रहा है और अभी तो काफ़ी टाइम लगेगा, पर ठीक है. जस्ट हैव टू बी थोड़ा सा बस अटेंटिव रहना है, फोकस के साथ और स्पीड पकड़ के रहना होता है. एक बारी पेस से ऐसे छोड़ दी ना, फिर गैप लेने का मन कर जाता है लंबा. तो लॉन्ग रन में सही रहता है, एक रन ले लो बड़ा, कम से कम एक घंटे का, एक घंटा नहीं रुकना तो सही स्ट्रेच लग जाते हैं, दो स्ट्रेच में हो जाता है. दिख रहा आपको नीचे से झरना आ रहा है, झरने का पानी है सारा. और आगे आगे देखो क्या क्या दिखता है आपको. चल भाई चल, शुरू कर. अब आपको ट्रैक दिखाता हूँ मैं, अभी तक देख ही लिया होगा आपने. ये देखो क्या मिल गया भाई, कह रहा गलत चीज मिल गई, देखते हैं क्या ही ढूंढ दिया. हाँ भाई क्या क्या मिल गया भाई, गलत चीज. पानी आ रहा गलत, ओ भाई झरना भी नहीं.
चलना भाई, चलो भाई चलो, अभी तुम्हारी वजह से रेस्ट कर रहा है, बैठ गया यहीं पर अभी तो बस पांच से बैठा हूं मैं बैठा नहीं, तुमसे पहले रुका हूं और व्यू देखना है, 5 मिनट सिर्फ खड़े हो गए, 5 मिनट नहीं 1 मिनट अच्छे से देखना, खड़े हो गए बैठना है ऐसे बैठ जाए, देखेगा व्यू है तो एंजॉय तो करेगा ना उसे, बैठ गया चलो एंजॉय हो रहा बढ़िया, हर व्यू पे 1 से 2 मिनट रुकेंगे, रुक के देखेंगे और फिर चलेंगे, बैठना नहीं है कहीं पे, बैठ गए तो पहुंच नहीं पाएंगे, बैठ गए तो पहाड़ है चारों तरफ ऊंचे ऊंचे, तो इस रास्ते से अभी हम आए हैं और ये रास्ता रसोल की तरफ जा रहा है, आगे पत्थर पर साइनबोर्ड भी है रसोल लिखा हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये रास्ता देखो, ये ऊपर से पानी आ रहा है झरने का, हमें पुल पार करके जाना है, फिर पुल दिख रहा है सामने, पानी आ रहा है नजर से भाई, एकदम गलत व्यू, गली में अभी लिखता हूँ प्लेन में, असल जिंदगी है मेरी छोड़े नो एंटरटेनमेंट, इतिहास लिख दिया तुझे क्लासिक्स दिया फाइव एक्स बैक, गली वाले ने दिया से आके फिर सामने से दिया सचिन का बैट, मुंबई का मैंने नाम रख दिया, जब स्टूडियो में लॉक तक सब खोल दिया, तो फाइनली भाई हम कल चलाल से निकले, तो चलाल से निकल के हम रसोल का प्लान किया था, रसोल जा रहे थे, तो रसोल पहुंचते पहुंचते काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी लंबा ट्रैक था, और रसोल से फिर मलाना का ट्रैक था, नॉन स्टॉप ट्रैक किया हमने नॉन स्टॉप, और फिर कल शाम को हम आए हैं मलाना से आगे वाइचिन है, तो मलाना का सीन ये था, मलाना में काफ़ी मतलब वही था, बस विलेजर्स थे, कैफे वैफे स्टे वगैरह के ऑप्शन कम थे, तो हम वहाँ गए नहीं, फिर उससे ऊपर वाइचिन है, तो कल हम लेट इवनिंग बहुत अंधेरे में हमने ट्रैक किया, काफ़ी लंबा ट्रैक पड़ गया था हमें, लगभग 9-10 घंटे का था लगातार चले तब, और काफ़ी ख़तरनाक चीज़ें फील करते हुए, फ़ोन सबके डाउन, नेटवर्क तो थे ही नहीं वहाँ पे, फ़ोन भी डाउन थे, काफ़ी चीज़ें फेस करते हुए पहुँचे, और भाई वाइचिन में आके रात को एक फिर हमने कैफे ले लिया, और सुबह उठ के देख रहा हूँ क्या हो रहा है, हो
अब यहाँ से हमें वापस कसोल जाना है, जो कि बहुत ही लंबा रास्ता है। ट्रैक करके तो नहीं जा सकते, पूरा एक दिन लगेगा। और ट्रैक करने लायक रास्ता भी नहीं बचा है, यहाँ बारिश हो रही थी अभी और ट्रैक की हालत पूरी ऐसी है। तो कैसे ही ट्रैक करेगा बंदा ऐसे में ना, तो सीन खराब हो गया है थोड़ा बहुत, बाकी देखते हैं।